हेलो दोस्तों, आंचल गार्डन में आपका स्वागत है। वीडियो की शुरुआत इस सुंदर से गजानिया प्लांट के साथ। आज जनवरी की 10 तारीख है फ्रेंड्स, और मैं अपने टेरिस पे गार्डनिंग के काम में व्यस्त हूँ। आज सोचा छोटा सा एक वीडियो कटिंग के ऊपर बनाऊँ। गिलाडिया की कटिंग लगाने का वीडियो है फ्रेंड्स आज का। तो सबसे पहले तो मेरे गार्डन में जो फूल खिले हैं उनको देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार। ये एस्टर है, एस्टर के मेरे पास चार प्लांट है फ्रेंड्स। ये पर्पल कलर का बहुत ही खूबसूरत, और इस प्रकार से मेरे गार्डन में फूल खिल रहे हैं। बहुत तेज दो दिन से बारिश हुई है फ्रेंड्स, आज मौसम साफ हुआ है, धूप निकला हुआ है। गेंदे के फूल बहुत सारे ख़राब हो गए हैं मेरे, और ये डहलिया, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं कटिंग लगाना। ये गिलाडिया का प्लांट है फ्रेंड्स, जिसे मैं अभी 15 दिन पहले ही इसे रिपोर्ट कर दी हूँ। ये थोड़ा शौक में था, दो दिन से मौसम बारिश का हुआ तो इसके लिए फ़ायदा हो गया फ्रेंड्स, ये अच्छे से अब ग्रोथ करने लगा है। इसमें मैंने इसकी रिपोर्टिंग इसलिए की फ्रेंड्स कि इसमें एक और गिलाडिया के प्लांट लगे हुए थे और उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही थी। वो येलो कलर का था, उसे भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भी उसी पॉट में लगा हुआ था जिसे मैंने अलग अलग कर दिया, तो इसमें भी अब अच्छे से ग्रोथ होगी। दो प्लांट की ग्रोथ एक ही पॉट में अच्छे से नहीं हो पाती फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने इसके गमले चेंज कर दिए थे। और मैं इसी गिलाडिया के कटिंग को लगाऊंगी आज, और मेरे पास जो पहले से तैयार है, मैंने 1.5 महीने पहले ही इसी ग्लाडिया की कटिंग और लगाई थी जो अच्छे से ग्रोथ कर गई है, उसे मैं आज पॉट में शिफ्ट करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी में से हमको कटिंग लेना है, तो मैं आपको कटिंग लेके मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार की कटिंग हमें ले लेनी है। ये यहाँ से मैं कट करके इसे ले लेती हूँ एक कटिंग, बाकी में तो सब बर्ड्स बने हुए हैं, और एक यहाँ से लेती हूँ फ्रेंड्स। ये दो कटिंग मैंने ले लिया है, ये इस प्रकार से हम कटिंग ले लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कटिंग की थोड़ी सफाई कर दी है, जो ख़राब ब्रांच थे उसमें ख़राब पत्ते थे उसे मैंने हटा दिया है, और मैं कटिंग इसमें लगाऊंगी। मेरे पास पॉली बैग नहीं है जिसमें मैं हमेशा कटिंग लगाती हूँ, तो मेरे पास ये था, तो मैंने इसमें ड्रेनेज होल कर दिया है और नीचे रेत बिछा दिया है। उसके ऊपर मैंने मिट्टी, साधारण मिट्टी बस रखी है फ्रेंड्स, इसमें किसी प्रकार का मैंने खाद नहीं मिलाया है, ये जंगल वाली मिट्टी है, ऑलरेडी इसमें खाद की मात्रा है। तो देखिए, इस प्रकार से हमको यहाँ से कट किया हुआ था मैंने, और इसमें बस हमको ऐसे लगा देना है और इसे दबा देना है, और मैं दो कटिंग लगाऊंगी फ्रेंड्स इसमें। जब इसमें रूट्स बन जाएंगे तब मैं इसे दूसरे गमले में सेपरेट कर दूंगी। तो बस बहुत ही आसानी से ये लग जाता है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 1.5 महीने पहले ही इसमें कटिंग लगाई हुई थी, और इसमें देखिए ये ग्रोथ शुरू हो गई है और इसमें बर्ड्स भी बन रहे हैं, तो मैं इसे ही आज लगाने वाली हूँ। इस ये पॉट मेरा खाली हो गया था, तो मैंने सोचा आज इसे गिलाडिया की इस कटिंग को मैं इसमें शिफ्ट कर दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सावधानी से हमको निकालना है, मैंने बहुत सारे इसमें कटिंग लगा रखे हैं। देखिए जड़ जड़ बन गया है इसका, ये परमानेंट प्लांट होता है फ्रेंड्स गिलाडिया का। मेरे पास वो 1 साल से
है वो प्लांट जिसकी मैंने कटिंग ली है। देखिए कितने अच्छे रूट्स बने हुए हैं इसके, पूरा फैल गया है उधर, ये देखिए इसके रूट्स देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से बन गए हैं। इसमें फिर से दो प्लांट हो गया है, मैं एक प्लांट को हटा दूंगी, मैं एक ही प्लांट लगाऊंगी इसमें। ये एक प्लांट ये है और इस प्लांट को मैं लगाऊंगी इसमें, बस आसानी से ये लग जाएगा। रूट्स ऑलरेडी इसके बन चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसे ग्रो करने में। और ये नमी वाली मिट्टी है, ऑलरेडी इसमें प्लांट लगा हुआ था। ये इस प्रकार से मैं लगा दूंगी और बहुत ही कम मात्रा में इसमें मैं पानी डालूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी मिट्टी नमी है। ये इस प्रकार से मैं इसमें पानी दे दूंगी। बहुत लोग कहते हैं फ्रेंड्स कि ठंड में कटिंग नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि कटिंग हर मौसम में चलना होता है तो चल जाता है, और नहीं चलना होता तो कोई भी मौसम में नहीं चलता फ्रेंड्स। मैंने तो बहुत सारी कटिंग लगाई हुई है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने गुलाब की कटिंग लगाई थी 5-6 दिन पहले ही, ये देखिए इसमें ग्रोथ शुरू हो गई है और ये यहाँ से देखिए ये निकल रहे हैं। तो कटिंग का ये होता है कि यदि चलना है तो वो कोई भी मौसम में चल जाता है। तेज़ गर्मी में गुलाब की कटिंग नहीं चल पाती, कोलियस की कटिंग चल जाती है फ्रेंड्स। तेज़ गर्मियों में मैंने कोलियस की कटिंग भी लगाई थी जो आसानी से चल गई। देखिए ये वाला, यहाँ से भी ये निकल रहे हैं, यहाँ से भी निकल रहे हैं फ्रेंड्स ये। और मैंने डिफनबेगिया की कटिंग भी लगाई हुई है, ये देखिए दो कटिंग मैंने लगाई हुई है। जब इसमें ग्रोथ शुरू होगी तो मैं आप लोग को शो ज़रूर करूंगी फ्रेंड्स। और मैंने ये देखिए ये बिगोनिया की कटिंग लगाई है, आज ही मैंने इसे लगाया है। और ये कनेर के कटिंग है सारे, और ये गुड़हल की कटिंग है, ये तो अच्छे से चल गई है। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसके रूट्स, ये देखिए नीचे से जा आ रहे हैं फ्रेंड्स, ये रूट्स नीचे से निकल रहे हैं इसके, तो ये रिपोर्टिंग के लायक हो गया है। लेकिन इस कलर का हिबिस्कस मेरे पास बहुत सारे हैं, 4-5 प्लांट हैं मेरे, देसी हिबिस्कस है ये क्रीम कलर का, और बीच में रेड कलर का शेड है, तो मैं इसे किसी को दे दूंगी। और मेरे एक फ्रेंड्स, एक व्यूवर्स ने कहा था फ्रेंड्स कि जब भी आपके स्पाइडर प्लांट में रनर निकलेंगे तो ज़रूर दिखाइएगा। ये देखिए ये रनर निकलना शुरू हो गया, ये देखिए ये नया प्लांट बन जाएगा ये। जब इसका ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे हैंगिंग बास्केट में सेपरेट कर दूंगी फ्रेंड्स। और आज मैं ये वाइट कलर के गेंदे की सीडलिंग की थी फ्रेंड्स मैं इसमें, तो मैं आज इसे भी लगाने वाली हूँ। एक टब है मेरा बड़ा सा, वो ख़राब हो गया है, उसी में मैं इसे, वाइट कलर का गेंदा है ये, उसी को मैं सब लगा दूंगी। ये कैलेंचो इसमें भी अच्छे से ग्रोथ हो रही है, ये कटिंग लगाई थी मैंने, ये देखी यहाँ की, ये तो बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो इस प्रकार से आज का वीडियो था फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू, बाय।